रूस यूक्रेन जंग की बड़ी खबरें। यूक्रेन से रूस से हमले का नया वीडियो सामने आया। मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ हमले, यूक्रेन के ठिकानों पर रूसी सेना ने बमबारी की। यूक्रेन में कम्युनिकेशन टावर को निशाना बना रहा रूस, मिसाइल से हमला किया। रूस ने यूक्रेन के Su-34M को ढेर करने का दावा किया। इज्यूम के पास खेत में नजर आया फाइटर विमान का मलबा। रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने का वीडियो जारी किया। यूक्रेन को दिखाई ताकत। यूक्रेन के आसमान में भी दिखे रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर। दुनिया भर में हड़कंप, परमाणु हमले की आशंका बढ़ी। मॉस्को के आसमान में दिखा रूस का डूम्सडे प्लेन। विक्ट्री डे की रिहर्सल हो रही है। रूस यूक्रेन जंग में बढ़ा परमाणु हमले का खतरा। कल पुतिन ले सकते हैं बड़ा फैसला। नेटो बेस हो सकता है टारगेट। न्यूक्लियर अटैक की तैयारी पूरी कर चुके हैं पुतिन। परमाणु बंकर का ले चुके हैं जायजा। यूक्रेन के पूर्व मिनिस्टर अरसेन का बड़ा दावा। एलीट क्लास में विद्रोह से घबराए पुतिन, कर सकते हैं न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल। यूक्रेन को अमेरिका की सैन्य मदद से बेहद गुस्से में है पुतिन। कहा अप्रत्याशित परिणाम के लिए तैयार रहे अमेरिका। पुतिन की धमकी के बाद अमेरिका ने शुरू की युद्ध की तैयारियां। हमले का जवाब देने की रणनीति बनाई जा रही है। रूस के एटमी धमकी के बाद एक्शन में आया ब्रिटेन। न्यूक्लियर सबमरीन HMS ओडिसस को जिब्राल्टर में तैनात किया गया। रूसी MP अदालबी की बहुत बड़ी चेतावनी। कहा बाइडेन अगर कीव गए तो उनकी हत्या हो सकती है। यूक्रेन के लवीव में रूस का एक साथ 5 मिसाइल से हमला। 6 की मौत, 8 जख्मी। लवीव के गवर्नर की तरफ से यह जानकारी। बोस्ना में रूस ने दागी ताबड़तोड़ मिसाइल्स। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। यूक्रेन फतह के लिए रूस ने एक साथ कई शहरों पर शुरू किए हमले। सभी शहरों में हमले का अलर्ट। मारियोपोल में रूस की यूक्रेनी सेना पर बमबारी। हमले में पुलिस स्टेशन तबाह हुआ। मारियोपोल में यूक्रेन के अजो बटालियन को रूसी सैनिकों ने घेरा। यूक्रेन के बचे हुए सैनिकों को सरेंडर का ऑफर दिया गया। अजोवस्ता में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को रूस ने टारगेट किया। 5 मंजिला इमारत पर मिसाइल दागी गई। अजोवस्टल में बमबारी के बाद लौटे रूसी विमान। आसमान में वापस जाते दिखे विमान। डोनेस्क में भी दिखे रूसी फाइटर जेट। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।